1947 में जब हम स्वतंत्र हुए अंग्रेजों से, तो हमें सिर्फ अंग्रेजों से स्वतंत्रता नहीं मिली, उसके बाद जब संविधान बना ना, तो हमें और भी कई तरह की स्वतंत्रताएं दी गई। जैसे कि जैसे अभी मैं आपसे क्लास ले रही हूँ, आपको किसी भी टॉपिक में अपने विचार, अपने नॉलेज बताती हूँ, क्योंकि मुझे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता मिली हुई है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ऑडियो क्लास। और अब तक आप समझ गए होंगे कि आज मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का जो टॉपिक है, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19(1)(क) में, उसको मैं केस स्टडी के साथ बहुत ही अच्छे से आपको समझाने वाली हूँ। तो इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ प्रेस डिस्कस विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस। व्हाट इज द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डज इट इंक्लूड लिबर्टी ऑफ प्रेस ऑल्सो? डिस्कस द स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। व्हाट आर द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन दिस फ्रीडम? मतलब वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के क्षेत्र, उनका विस्तार, उस पर क्या युक्तियुक्त निर्बंधन लगाया गया, और समाचार पत्र की स्वतंत्रता भी क्या इसमें शामिल है, प्रेस की स्वतंत्रता भी क्या इस विचार अभिव्यक्ति में शामिल है, इन सब से रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब आपको लिखना कैसे शुरू करना है, तो सबसे पहले आपको प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन कुछ अच्छे लाइंस को सेलेक्ट करके लिखना है। जैसे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार मूल का स्थान मूल अधिकार में सबसे पहला माना जाता है, और विद्वानों ने कहा है कि स्वतंत्रता ही हमारा जीवन है, और स्वतंत्रता का अधिकार अगर हमारे जीवन में कम हो जाता है तो हमारा जो व्यक्तित्व है उसका विकास संभव ही नहीं है, जब तक हम अपनी मन की बातें, अपने विचारों को किसी से अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में भारत के नागरिकों को कई तरह की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें शुरुआत होती है अनुच्छेद 19 से, जो 19(1)(क) से शुरू होता है। अब 19(1)(क) क्या है उसको सबसे पहले आपको लिखना है, और क्या कहता है 19(1)(क). तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे लिखा वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। 19(1)(क) यह घोषित करता है कि सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होगा। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था की आधारशिला है, और इसलिए प्रत्येक प्रजातांत्रिक सरकार इस स्वतंत्रता को अधिक महत्व देता है। अब आपको पता हो कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र है, जहाँ जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है। ऐसे में जो भारत के नागरिक या जनता है, अगर उनको ही अपनी बातें रखने की स्वतंत्रता नहीं होगी तो फिर लोकतंत्र का क्या फायदा? तो हमारे लोकतंत्र का आधार क्या है कि हमें बोलने की, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। अब विचारों में सिर्फ मुँह से बोली हुई बातें नहीं आती हैं, यहाँ पर आप अपने विचार, अपने थॉट, अपने मत जो है बताने के लिए स्वतंत्र है, चाहे वो आप अपने शब्दों से बोलें, चाहे किसी लेख या लिख करके राइटिंग के थ्रू बोलें, चाहे कुछ प्रिंट करें, चाहे आप सिंबल्स के तरीके बोले, किसी ड्राइंग के तरीके, पेंटिंग के थ्रू बताएं, लेकिन किसी भी तरह से आपको कार्टून के थ्रू बताएं, आपको अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है। अब इसमें लाबेल बनान ग्रिफिन 1938 संयुक्त राज्य अमेरिका का वाद है, उसमें कहा गया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी व्यक्ति के विचारों को किसी ढंग से अभिव्यक्त करने का भी विचार शामिल है, जिसमें वह उस चीज़ को दूसरों तक अपनी बात रख सके अभिव्यक्त करता है। इसके लिए वो किसी भी संकेत का, सिंबल्स का, झंडे का, किसी भी चिन्ह का, किसी भी क्रिया द्वारा अपने विचार अभिव्यक्त कर सकता है। तो ये आप लावेल बनाम ग्रिफिन जो वाद है इसको जरूर लिख लीजिएगा। अब इसमें एक केस है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बनाम भारत संघ 1985 का मामला, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो चार उद्देश्य को पूरा करता है। पहला तो एक तो ये व्यक्ति का, उस पर्टिकुलर जो अपनी विचार अभिव्यक्ति कर रहा है, उसके विकास और उसकी उन्नति के लिए सहायक है। दूसरा ये सच की खोज में सहायक है। तीसरा ये व्यक्ति को निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है। और चौथा ये सामाजिक परिवर्तन और समाज जो स्थिर है दोनों में ही आपस में सामंजस्य बना के रखता है। तो इसलिए क्या क्यों जरूरी है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? इन चार चीज़ों के लिए जरूरी है। अब इसमें क्या है, आपको आगे क्या लिख सकते हैं ये लिख बताती हूँ मैं आपको, इतनी चीज़ें तो इसमें केस है रोमेश थापड़ बनाम मद्रास राज 1950। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विचारों के प्रसार की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है, और यह स्वतंत्र विचारों के प्रसारण की स्वतंत्रता द्वारा सुनिश्चित है। अब इसमें क्या है, प्रकाशन की स्वतंत्रता, यानी जो न्यूज़पेपर प्रिंटिंग जो भी चीज़ें होती हैं, मैगजीन, न्यूज़पेपर, वो भी स्वतंत्रता इसमें शामिल की गई, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता भी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में इंक्लूड है, जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया। या आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सकल पेपर्स बनाम भारत संघ केस 1962। ठीक है, अब
आर्टिकल 19 क में एक और चीज़ ऐड की गई है, राइट ऑफ नो, मतलब जानने का अधिकार, आपको कोई भी चीज़ जानने का अधिकार है। इसमें सरकार जो भी चल रही है वो किस तरह से चला रही है उससे रिलेटेड जो भी सूचना है, जिसको RTI भी कहते हैं, वो भी आपको जानने का अधिकार है। सिर्फ जिन मामलों में अपवाद चल रहा है जो देश की सुरक्षा से रिलेटेड है वो आपको नहीं मिल सकता है, जानने का अधिकार में नहीं आता है। लेकिन जो आपसे रिलेटेड है, जो जनता के विषय से रिलेटेड है, उसमें क्या है, जानने का अधिकार आता है। और इसमें आपको किस चीज़ के बारे में लिखना है, आपको लिखना सूचना का अधिकार 2005 का अधिनियम 2002 में जिसको पारित किया गया, और ये वर्तमान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ है, जिसमें जिसका उद्देश्य है देश के नागरिकों को लोक प्राधिकारियों द्वारा के पास जो भी सरकारी कामकाज से रिलेटेड सूचना है वो प्राप्त करने का अधिकार है। जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया है कि ये फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत ये आता है कि नहीं आता है 19(1) कॉ, तो हमारा संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि प्रेस की स्वतंत्रता का उपबंध कहीं भी नहीं लिखा गया है। किसी भी आर्टिकल में ये प्रेस की स्वतंत्रता वर्ड यूज़ नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ यूज़ किया गया भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता इंक्लूडेड है। प्रजातंत्र में समाचार पत्र क्या है, अपने विचार को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। इसलिए राजनीतिक स्वतंत्रता और प्रजातंत्र की सफलता दोनों के लिए क्या जरूरी है कि प्रेस को भी अपने विचार अभिव्यक्ति लिखने की स्वतंत्रता हो। क्योंकि क्या होता था, जब आज़ाद नहीं हुए थे हम तो हमें प्रेस की स्वतंत्रता नहीं थी, हमें हर चीज़ जो है वो अंग्रेजों से अनुरोध करके उनसे परमिशन लेके ही छापना पड़ता था, तो इस समय हमें प्रेस की स्वतंत्रता नहीं थी। तो अमेरिका के प्रेस कमिश्नर ने प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में अपनी बात रखी कि प्रेस की स्वतंत्रता किसी भी देश के लिए ज़रूरी है क्योंकि राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए ज़रूरी है। जिस समाज में मनुष्यों को अपने विचार एक दूसरे तक पहुँचाने की स्वतंत्रता नहीं हो, उनकी स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं हो, तो भाषण की स्वतंत्रता ना हो, वह जो देश है वो कभी भी स्वतंत्र देश नहीं बन सकता है। और स्वतंत्रता का जो भी साधन है जिसमें प्रेस भी इंक्लूड है वो भी इसमें आता है। अब पूर्व अवरोध अविधिमान्य है, ये क्या है, तो कहा गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ सरकार की अनुमति के बिना अपने विचार रखना है। अब यदि कोई कानून जो विचार के प्रकाशन से पूर्व अवरोध लगाता है तो वो अनुच्छेद 19 क में दी गई स्वतंत्रता पर आक्रमण करता है। कई कानून ऐसे होते हैं जिसको छापना इलीगल होता है, तो ऐसे में अगर छाप दिया जाता है तो वो क्या है, अविधिमान्य। इसमें कुछ युक्तियुक्त निर्बंध लगाए गए हैं, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है 19(2) के अंतर्गत इसमें प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिससे अगर आप कोई ऐसा भाषण दे रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ें व्यक्त कर रहे हैं जिससे राज्य की सुरक्षा को खतरा हो, जिससे विदेशी राज्य के साथ मैत्री संबंध पर असर पड़े, जिससे लोक व्यवस्था और नैतिकता शांति भंग हो, जिससे किसी न्यायालय का या न्यायाधीश का अपमान हो, जिससे किसी को मानहानि हो, जिससे किसी के को अपराध करने के लिए उकसाना हो, और जिससे भारत की अखंडता और संप्रभुता नष्ट होती हो, ये सारे निर्बंधन लगाए गए। अब इसको थोड़ा डील कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले सिक्योरिटी ऑफ स्टेट है, राज्य की सुरक्षा, तो राज्य की सुरक्षा में अगर आपके किसी भाषण या अभिव्यक्ति से किसी तरह का आंतरिक विद्रोह हो जाता है, कोई हिंसा भड़क जाती है, कोई धार्मिक विद्रोह हो जाता है, तो क्या है, ये विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। आप उस चीज़ को वो कर रहे हैं, आप उल्लंघन कर रहे हैं उस स्वतंत्रता को, क्या कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं। इसमें आप केस लिख सकते हैं, राम जी मोदी बनाम यूपी केस। कौन सा केस है, राम जी मोदी बनाम यूपी केस, जिसमें कहा गया कि यदि आपके किसी कार्य से राज्य की सुरक्षा को खतरे की आशंका हो, आपके किसी भाषण या अभिव्यक्ति से, तो फिर आपकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन देश की सुरक्षा से उसको आघात नहीं पहुँचना चाहिए। अब दूसरा, विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, तो जब संविधान का प्रथम संशोधन हुआ ना 1951 में, तो उसके द्वारा आर्टिकल 19(2) में जोड़ा गया ये बात कि विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध इससे रिलेटेड है, कि अगर आप कोई ऐसी विचार अभिव्यक्ति रखते हैं, कोई ऐसा अपमानजनक लेख लिख देते हैं जिससे विदेशी देशों के साथ संबंध, या कोई मनगढ़ंत बातें लिख देते हैं विदेशी संबंध के बारे में, तो मैत्रीपूर्ण संबंध अगर उससे खराब होने के चांसेस होते हैं तो आप पे क्या होता है, इस पे निर्बंधन लगा दिया जाता है। अब विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध क्लॉज कब जोड़ा गया, ये लिखना ज़रूरी है आपके लिए। अब जैसे इसमें एक और चीज़ ऐड करिएगा कि कुछ उपबंध जो है विदेशी राज्य पे लागू नहीं होते हैं, जैसे कि विदेशी राज्य में कॉमनवेल्थ के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, और पाकिस्तान चूंकि कॉमनवेल्थ का सदस्य है तो इसलिए इसके लिए उस पर विदेशी राज्य नहीं माना जाएगा। इसलिए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन नहीं लगाया जाएगा अगर पाकिस्तान या अन्य कॉमनवेल्थ देश के बारे में कुछ भी लिखा जा रहा है। अब तीसरा, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या नैतिकता नहीं भंग होनी चाहिए। तो रोमेश थापड़ मद्रास राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया है, लोक व्यवस्था का साधारण भंग वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंध लगाने का आधार नहीं है।
अब जैसे श्रमिकों में कोई तरह का वो हो जाता है, भावना वो हो जाती है और वो हड़ताल करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है, लोक व्यवस्था भंग होती है, लोक सुरक्षा भंग होती है। जो लोक व्यवस्था खेत में पदावली दी गई है ना, ये ऐसे कथन तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य भी है कि जहाँ भी अव्यवस्था फैल रही है इस तरह से, कानून ऐसे भाषण जानबूझ के दिए जा रहे हैं, तो क्या होगा, लोक व्यवस्था भंग होती है। तो आपका ये जो आप क्या कर रहे हैं विचार अभिव्यक्ति का। इसके बाद आता है अदालत की अवज्ञा। अगर आपका कोई लेख है प्रकाशन जो कि किसी जज का अपमान करता है, किसी अदालत का अपमान करता है, किसी के बारे में भ्रष्टाचार, बेईमानी ये सब आदि का आरोप लगाता है बिना कुछ जाने, बिना किसी सबूत के, तो आप न्यायालय के मामलों में अब हस्तक्षेप कर रहे हैं। न्यायालय का अपमान अधिनियम 1977 पारित कर दिया गया, जिसके अनुसार आपको न्यायालय का अपमान करने के लिए 6 माह की सज़ा और 2000 रुपये तक का जुर्माना मिल सकता है। इसीलिए उच्चतम न्यायालय के कार्यों में के संबंध में किसी भी तरह का आरोप लगाना क्या है, आपराधिक अपमान माना जाता है और ये विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाता है, आपके रोक लगाता है, युक्तियुक्त निर्बंधन जिसको कहते हैं। इसके बाद आता है मानहानि। मानहानि में आपके द्वारा कोई ऐसा कथन या प्रकाशन जिससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को क्षति पहुँच जाती है, वो मानहानि कहलाता है। तो अगर किसी व्यक्ति ने समाज में घृणा, हंसी या अपमान का पात्र बनाता है अपने किसी काम से, तो आप पे युक्तियुक्त प्रबंधन लगाया जाएगा और भारतीय दंड संहिता की धारा 499 में मानहानि से संबंधित विधि दी गई है, उसके आधार पर आप पर मानहानि का केस किया जाएगा। अब आपके किसी काम से, किसी विचार अभिव्यक्ति से किसी अपराध के लिए कोई उकसाता है, जैसे संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में जोड़ा गया कि अगर आपके किसी विचार अभिव्यक्ति के अधिकार के तहत आप किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए भड़काते हैं या उकसाते हैं, तो इस पे भी आप पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके बाद है भारत की अखंडता और संप्रभुता। तो इसमें आपके प्रकाशन या आपके कथन द्वारा भारत की अखंडता और संप्रभुता पे किसी भी तरह का आँच आता है, तो संविधान के 16वें संशोधन द्वारा इसमें जोड़ा गया है, आर्टिकल में 19(2) में जोड़ा गया है कि आप पर फिर क्या होगी, आपकी स्वतंत्रता जो है वो विचार अभिव्यक्ति की निर्बंधित कर दी जाएगी। अब इसमें आगे आपको इस आंसर में सबसे ज़्यादा फोकस होना है प्रेस की स्वतंत्रता पे। भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता का, तो आपको एक इसमें रोमेश थापड़ बनाम मद्रास राज्य केस लिखना है और साकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ केस लिखना है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में, और प्रेस का पूर्व अवरोध कब कब लगाया जाएगा वो आप लिख सकते हैं। इसमें ब्रजभूषण बनाम दिल्ली राज केस लिख सकते हैं, जिसमें दिल्ली के चीफ कमिश्नर ने ईस्ट पंजाब पब्लिक सेफ्टी एक्ट के धारा 7 के अंतर्गत दिल्ली के एक साप्ताहिक समाचार पत्र पर सेंसर लगाया कि वह उन सभी प्रकार के सांप्रदायिक मामलों या पाकिस्तान से संबंधित समाचार पत्र को जो सरकारी न्यूज एजेंसी द्वारा प्राप्त नहीं किए गए प्रकाशित करने के पहले सरकार से अनुमति प्राप्त करेगी, और ये प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है। तो प्रेस के का पूर्व अवरोध कब कब लग सकता है, इसमें एक केस आप ज़रूर लिख दीजिएगा, उस केस का नाम नोट कर लीजिए, ब्रजभूषण बनाम दिल्ली राज केस। एक और भी लिख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ केस, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि किसी समाचार पत्र को तात्कालिक महत्व के विषय पर अपने विचार प्रकाशित करने से रोकना भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक गंभीर अतिक्रमण है। तो अब आप समझ गए होंगे कि निर्णित वाद की सहायता से कैसे आप आर्टिकल 19(1)(क) को लिख सकते हैं, और इसमें आपका आगे का जो है ना 19(1)(ख) से लेके 19(1)(छ) तक वो अगला क्वेश्चन आता है। आपको बेसिकली इसमें फोकस करना है आईपीसी की धारा 144 के अधीन कठोर प्रतिबंध के कारण समाचार पत्रों का वितरण ना होना जम्मू एंड कश्मीर में, ये आप लिख सकते हैं क्योंकि ये राज्य की सुरक्षा के अंतर्गत आता है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है आपका विधि और व्यवस्था। विधि और व्यवस्था का एक छोटा हिस्सा है लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था का एक हिस्सा है राज्य की सुरक्षा। ये आप एक पाई चार्ट के द्वारा बना के दिखा सकते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का दुरुपयोग भी शामिल है, वो भी लिख सकते हैं, और अपराध करने के लिए किसी को उकसाना भी, एक आपत्तिजनक सूचना फैलाना, ये भी आप ज़रूर लिखिएगा। कंक्लूजन हमेशा अपना लिखिएगा, अपना थॉट कि आप 19(1)(क) के बारे में आपका सेल्फ थॉट क्या है, ऐसा युक्तियुक्त निर्बंधन लगाना उचित है या पूरी तरह से स्वतंत्रता देना, ये लिखना है। और बाकी की जो क्लासेज है ना वो चैनल के प्लेलिस्ट पे आप उसको ज़रूर जा करके देखिए। इस क्वेश्चन में कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियो अपडेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। और इस क्लास को एक बार दोबारा ज़रूर सुनिएगा, दोबारा सुन करके उसका एक चार्ट बनाइएगा, स्ट्रक्चर बनाइएगा, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप सिर्फ और सिर्फ उस स्ट्रक्चर को रिविज़न कर पाइए। कीवर्ड्स निकालिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट होता है लॉन्ग क्वेश्चन में कीवर्ड्स निकालना। जब आप कीवर्ड्स निकालना और बनाना समझ जाते हैं ना, तो आपको कभी भी आंसर राइटिंग में कोई मुश्किल नहीं आती है। जो लोग खासकर 5-5, 6-6 पेज के आंसर रट के जाते हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लिखने में, इसलिए हमेशा कीवर्ड्स के थ्रू आंसर लिखने की कोशिश करिए। ये क्लासेस